हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है एक और नया सुहाना दिन और आज की तारीख है 20 तारीख। यार मैंने आपको 2 दिनों से बताया नहीं था कि कितनी तारीखें हो रही है। आज की तारीख है 20 तारीख और हम लोग आज श्रीनगर की लोकल साइटिंग वगैरह करने जा रहे हैं। एंड अभी जा रहे हैं हम लोग डल लेक। तो हम लोग पहुँच चुके हैं डल झील पर और ज़रा आपको नज़ारा दिखाते हैं। देख सकते हैं आप नज़ारा यहाँ का। और भैया दिखाऊं मैं आपको, ये पूरी जमी पड़ी है। एंड जब देखो रुको एक मिनट, इधर से दिखाती हूँ। इधर कार आ गई है। हाँ अभी शिकार है तो चल रही है, बस थोड़ा थोड़ा ही चल रही है। और लेकिन डल झील तो जमी हुई है, एकदम बिल्कुल जमी। और यार मुझे लग पता नहीं है कैमरे में दिख भी रहा है कि नहीं, लेकिन जमी हुई है यहाँ तो, बहुत ज़्यादा जमी है। तो दोस्तों हम लोग शिकारा में बैठ गए हैं और हम लोग 8 पॉइंट्स गए घूमने वाले हैं। तो दिखाते हैं आपको कैसे व्यू दिख रहे हैं यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पूरा पानी है यार, लेकिन डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि बोट बहुत नीचे है ना पानी में, तो डर सा लग रहा है। पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और लेफ्ट साइड ज़्यादा थोड़ा झुक रही है ये, लेकिन होगा कुछ नहीं। इधर साइड की तरफ बर्फ दिख रही है बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। यहाँ भी दिख रही है, उधर भी दिख रही है, बर्फ ही बर्फ जमी है। थोड़ी सी पानी में भी है और थोड़ा जमा भी हुआ है, तो इसलिए जितना जमा नहीं है उतने पानी में हम लोग जा रहे हैं। 8 पॉइंट घूमने वाले हैं। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है गोल्डन लेक। और इसमें ना, इसको गोल्डन लेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अगल बगल में जितने भी हाउस बोट हैं वो डीलक्स हाउस बोट हैं और इनकी कीमत 1-1.5 करोड़ रुपए की है। यार मतलब मेरा तो सुन के ही सर चकरा गया। और दूसरी बात खास ये है कि यहाँ पे हाउस बोट्स में रात में जो लाइट जलती है ना हाउस बोट्स में, तो लाइट जलती है तो उसमें क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन होता है पानी में। यार बहुत ब्यूटीफुल लगता होगा, अभी हम लोग तो देख नहीं पा रहे बट बहुत ब्यूटीफुल लगता होगा रिफ्लेक्शन यार पानी में, तो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। एंड पीछे यहाँ किसी फिल्म, शाहरुख खान की कोई फिल्म थी, उसमें जी आर ए जो गाना था यहाँ इधर ही शूट हुआ था। और एक गार्डन भी है यहाँ पे, इसीलिए ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है गोल्डन लेक। चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कि है गोल्डन लेक के नाम से। और यहाँ यार गोल्डन तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन सफ़ेद सफ़ेद ज़रूर दिख रहा है, यानी आइस दिख रही है पूरे में। और मैंने बता दिया आपको गोल्डन लेक इसको किस वजह से कहा जाता है। एंड ये वो हाउस बोट्स हैं जो 1-1.5 करोड़ की हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पॉइंट 3 पर। पॉइंट 2 इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि हम फोटो खिंचवा रहे थे। और पॉइंट 3 पे गुलफाम नाम की एक हाउस बोट है जिसमें बहुत 2-4 फिल्मों की शूटिंग हुई है। एंड वो श्रीनगर की सबसे बड़ी हाउस बोट है यार, लेकिन वो पीछे चली गई। मतलब पीछे है तो मैं ज़्यादा दिखा भी नहीं पाऊंगी, मोबाइल अगर गिर गया ना हमारे तो मेरे बहुत मार पड़ेगी, तो इसलिए मैं दिखा नहीं रही आपको। पर यहाँ से पीछे मैं देख सकती हूँ और यार सच में बहुत बड़ी है, श्रीनगर की सबसे बड़ी हाउस बोट वही है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पॉइंट 4 पे जो है नेहरू आइलैंड। और ये पानी के बिल्कुल बीचों बीच बना है नेहरू जी की याद में, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये रहा नेहरू आइलैंड, यहाँ पे थोड़े बहुत मोटर बोट्स लगे हैं और ये देख सकते हैं पूरा पानी के बीचों बीच ये वाला आइलैंड बना है। हम जाना चाहे तो जा सकते हैं, पर इसमें आप लोग जाना चाहे तो जा सकते हैं, पर इसमें एंट्री टिकट लगेगी। कैफेटेरिया वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह हैं इसमें और इधर से आप व्यू का मज़ा ले सकते हैं। ये जो चीज़ है यहाँ से हाउस बोट उस पर मोटर बोट्स पे भी चढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे 5वें पॉइंट पे है जो है ओपन लेक। और ये डल लेक का सबसे बड़ा एरिया है जिसमें सबसे दूर तक डल लेक दिखती है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये है ओपन लेक, डल लेक का सबसे बड़ा एरिया जहाँ से डल लेक बहुत दूर 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 तक दिखती है, दूर 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 तक दिखती है। तो हम लोग जा रहे हैं किसी गांव के साइड से अंदर जिसमें मार्केट है, तो वहां से भी हम शॉपिंग कर सकते हैं। और ये ओल्ड सिटी मार्केट है, ये लोग सर्दियों में अपनी मार्केट लगाते हैं। और ये है हमारा 6th पॉइंट। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ओल्ड सिटी मार्केट में और यहाँ पे शॉल्स,
स्वेटर्स कारपेट्स वगैरह मिलते हैं। और यहाँ पे हम लोग मतलब डल लेक में चलते हुए ही शॉपिंग करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पे एक शिकारा रुकी हुई है, वहाँ से चढ़ेंगे एंड वहाँ से हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसे करके शॉपिंग करते हैं। ये भी सारी है ना जो पानी में है डल लेक में, और ये नीचे पत्थर लगे हैं जिससे कुछ इधर उधर ना हो। तो ये पूरी मार्केट है, इधर घूमेंगे, अगर कुछ शॉपिंग करनी होगी तो शॉपिंग करेंगे एंड देन वापस हम अपने 7th पॉइंट पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शिकारा से उतरे हैं और एक दुकान पे हैं और मार्केट घूमेंगे, अच्छा लगा तो कुछ खरीदेंगे भी। फ्रेंड्स हम लोग आए हैं, शॉल यार, शॉल मिल रहे हैं यहाँ पे, ब्लैंकेट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ कारपेट्स भी मिल रहे हैं। और पहली शॉप हमारी यही है शॉल्स वाली। मम्मी को शायद पश्मीना शॉल खरीदनी थी, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं और फोटोज वगैरह भी खींची हैं इसीलिए। और सूट्स भी हैं, ब्लैंकेट्स भी हैं, शॉल्स भी हैं, देख सकते पूरा पीछे क्या। तो देखते हैं कुछ खरीदते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारे 7th पॉइंट पर। हम लोग वहां से दुकानों से निकल आए हैं एंड 7th पॉइंट है वेजिटेबल गार्डन, जिसमें हर तरह की सब्जियां होती हैं। अभी तो स्नोफॉल हुई है इसलिए सब कुछ कवर हो गया है स्नो से, पर अभी यहां सब तरह की सब्जियां होती हैं तो मैं दिखाती हूँ आपको। जो ये सामने आप ज़मीन देख रहे हैं ना, यही है वेजिटेबल गार्डन। देख सकते हैं अभी स्नोफॉल हुई है इसलिए ये स्नो से कवर हो गया है और इसमें अभी कोई सब्जी नहीं हो रही है, वरना इसमें गर्मियों के दिनों में सब्जियाँ होती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ जो वेजिटेबल गार्डन है ना, यहाँ शाम सुबह के टाइम पे कुछ हट्स वगैरह हैं यहीं पानी में, तो वो लोग इस टाइम पे सुबह के टाइम पे यहाँ वेजिटेबल गार्डन लगाते हैं। और मतलब अपने उन्होंने बोट्स उठाए, पर्सनल अपने पर्सनल बोट्स उठाए एंड यहाँ पे पूरा सब्जियों का बाज़ार लग जाता है। तो इधर से ही शायद होटल्स वाले जो भी हैं वो ख़रीदते हैं सब्जियाँ, और यहीं पर सब्जियाँ मिलती हैं। दोस्तों हम लोग फ्लोटिंग ग्रास के पास पहुंच गए और ये ऐसी जगह है जितना पानी का लेवल इंक्रीज होगा यहाँ पे ये डूबेगा नहीं, ये जगह डूबेगी नहीं, ये उसके साथ साथ फ्लोट करता चला जाएगा। जैसे जैसे बहाव होगा ये ऐसे फ्लोट करेगा। तो दिखाते हैं आपको क्या है ये है जो फ्लोटिंग लैंड है, फ्लोटिंग ग्रास है ये जो है, ये इसको जितना पानी का लेवल इंक्रीज होगा ये उतना ही ऊपर बढ़ता जाएगा, पर ये डूबेगा नहीं कभी। तो अभी तो इस पर बर्फ़ जमी है, पानी जमा है, जो कुछ भी है, पर इसको ग्रास फ्लोटिंग लैंड या फ्लोटिंग ग्रास जो भी कहें वो बोल सकते हैं। ये है वही ग्रास लैंड और यहाँ देख सकते हैं चिड़िया वगैरह जो है सब आइस के ऊपर चल रही है, ऐसा लग रहा है आइस स्केटिंग कर रही हैं पूरा यहाँ पे। और यहाँ से देखिए स्टार्ट हो रहा है मीना बजार और ये हमारा लास्ट पॉइंट 8th पॉइंट जो कि है मीना बाजार, कश्मीर हेरिटेज। और यहाँ सब कपड़े मिलते हैं, यहाँ पे आर्ट वर्क मिलते हैं, स्टेशनरी वगैरह होती है जो मिलती है, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग एक फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं, ये कहते हैं कह रहे हैं कि मीना बाजार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और यहाँ पे कोट्स एंड कपड़े यही सब कुछ मिलता है, कारपेट, साड़ीज, सूट्स, शॉल्स और स्वेटर्स, जैकेट्स, यही सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और ये है श्रीनगर की सबसे बड़ी फैक्ट्री, तो आपको भी दिखाते हैं। अरे सॉरी, मीना बाजार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है ये श्रीनगर की, बोलिए श्रीनगर में तो बहुत सारी होंगी। तो ये है फैक्ट्री कोई आई डोंट नो, यही है पूरी फैक्ट्री यहाँ पे शॉल्स कोट्स देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। हम लोग डल लेक से बाहर आ गए हैं और खाना खाने के लिए आए हैं गुलशन वैष्णो ढाबा नाम के एक ढाबा पे। तो खाना देखते हैं कैसा खाना है, ये देखते हैं कि सही है, गंदा है, एवरेज है, अच्छा है, जो भी है हम सब बताएंगे आप। तो दोस्तों हम लोग खाना खा के उस गुलशन वैष्णो ढाबा से हम निकल चुके हैं एंड यार मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, और टेबल पर रखा फोन छोड़े आ रहे हैं, बहुत बकवास खाना कह रही हूँ मैं। शाही पनीर मंगवाया, पनीर इतना इतना टुकड़े, वो भी 3-4 और हाफ से भी कम पनीर। दाल मंगवाई, दाल फ्राई, वो भी हाफ से भी कम और बकवास। रोटी मंगवाई, एक साइड से सिक्की, दूसरी साइड से कच्ची और पापड़ की तरह बनी हुई थी। एक चीज, दो चीज़ आती थी, दो की थी, एक बिरयानी थी वेज बिरयानी और एक थी जीरा राइस, वो तो अच्छा था और कुछ नहीं अच्छा था, सब बकवास था। हम लोगों ने बस ऐसे ही पैसा दे दिया और सब खराब। तो यार
बिरयानी या चावल वगैरह कुछ खाना हो तो खा लेना, पर ऐसी चीजें बहुत कम, इतनी इतनी मतलब इतनी दाल मिल रही है हमें, इतनी हाथ के बराबर बर्तन था और उसी में दाल रखी, उसी में शाही पनीर, बकवास। मैं हमें तो जितना खाना मिला बकवास मिला, बस वेज बिरयानी और चावल को छोड़कर। मैंने और ऐसे रिव्यू दिए हैं आपको दोस्तों। ये है डल लेक और ये मुझे सबसे बड़ा एरिया लगा डल लेक का, जो कि बिल्कुल खुला हुआ है, वरना छोटी 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 जगह थी, पर यहाँ तो यार सबसे बड़ा ओपन लेक कह सकते हैं इसे। एंड इधर भी बर्फ़ जमी हुई है थोड़ी, बहुत तो ही जमी है, अभी तक तो नहीं जमी थी, अब दिख रही है जमती हुई यहाँ पे बर्फ़, तो देख ही सकते हैं आप लोग, ये रही बर्फ़ जो जम गई है। और यार यहाँ पे आइस स्केटिंग कर सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना, आइस स्केटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, बताओ मम्मी आइस स्केटिंग कर सकते हैं यहाँ पे? उसके लिए अलग कोट होता है बेटा, आइस स्केटिंग कोट अलग होता है। अच्छा तो यहाँ आइस स्केटिंग नहीं कर सकते क्योंकि बर्फ़ बहुत पतली है, तो टूट के हम लोग नीचे भी गिर सकते हैं, पर आइस स्केटिंग के लिए अलग कोट होता है। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं इस टाइम पर ट्यूलिप गार्डन, जो कि इसका गेट जो है वो रहा ये रहा, मतलब वो नहीं, ये रहा मुगल गार्डन, तो हम लोग ट्यूलिप गार्डन में ऊपर पहुंच गए और आपको नजारा दिखाते हैं। ये है ट्यूलिप गार्डन, सर्दियों गर्मियों में यहाँ पे बहुत सारे फूल होते हैं, यहाँ पूरे बर्फ है, अभी भी पेड़ है कुछ तो लेकिन सूखे हैं, और लेकिन यार सर्दी गर्मियों में यहाँ पे फूल वगैरह होते हैं इस जगह पर जहाँ बर्फ ही बर्फ है। पैर ऊपर कर ले, बर्फ पैर ऊपर कर ले, दोस्तों हम लोग ट्यूलिप गार्डन या मुगल गार्डन से निकल चुके हैं, एंड अब मैं व्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ, मैं सीधा वो करने वाली हूँ आउट्रो करने वाली हूँ, क्योंकि अब अंधेरा होता जा रहा है, आप देख सकते हैं मेरी शक्ल भी ठीक से नहीं दिख रही है, अब कोई व्लॉग नहीं बनाने वाली चाहे कहीं भी घूमूं, पर लास्ट में जाके हम लोग घूम के आएंगे, जितना भी अगर घूम के आएंगे वो दिखाएंगे आपको हम, और यार मेरा फेस ऐसा लग रहा है यार, क्या आई डोंट लाइक। दोस्तों हम लोग होटल में रूम में पहुँच गए हैं और अब जा रहे हैं, मतलब जा नहीं रहे, हम लोगों ने खरीदी है दो पश्मीना शॉल, जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो देखिए। तो मैं ये फ्लैश लाइट जला दी जिससे आपको सही से दिखे, और ये है हमारी पहली पश्मीना शॉल, और ये देखने में तो बहुत पतली है, पर इसमें थोड़ी देर हाथ रखे ना 10 सेकंड तो बहुत गर्म हो जाती है, एंड ये दो साइड है कि दो साइड से इसको पहन सकते हैं, तो ये टू साइडेड पश्मीना शॉल है। अब दिखाते हैं दूसरी वाली, ये हमारी दूसरी पश्मीना शॉल जो कि है फिर से टू साइडेड, इसको दो साइड से फिर से पहन सकते हैं, एक इस साइड से एक साइड से। ये वाली ज़्यादा महंगी है क्योंकि इसमें माचिस की तिल्ली जितनी उससे वर्क किया गया, इसलिए ये ज़्यादा महंगी है, वो वाली कम महंगी थी। तो मैं आपको रेट बता देती हूँ कि एक पश्मीना शॉल है 5,000 रुपये की, मतलब एक पश्मीना शॉल की कीमत 5,000 रुपये की, एंड जो मैं समझे कि ज़्यादा महंगी होगी वो वाली जो दिल्ली से बाकी, दोनों का रेट सेम है, 5,000 रुपये की दोनों ही पश्मीना शॉल आई है। सो फ्रेंड्स दिस वॉज आवर ब्लॉग फ्रॉम हाउ वी एंजॉयड इन श्रीनगर। यार अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करना अच्छा लगा, और चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो इतनी देर से, चलो बाय बाय कल मिलते हैं। बाय बाय तो कर दिया, पर आपको क्या श्रीनगर टू लखनऊ जाने वाला फ्लाइट का व्लॉग चाहिए टू, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अरे यार मैं लेट के वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ठंड लग रही है और हम लोग थोड़ी देर में सोने वाले हैं। Bye-bye.